पिछले वीडियो में हमने इंड एज 36 में पढ़ा कि इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में एसेट्स क्या होता है, इंपेयरमेंट्स क्या होता है और इंपेयरमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे सी ए माइनस आर ए, सी ए क्या होता है वो भी हमने बात किया, आर ए क्या होता है वो भी हमने बात किया, और हमने बात किया डेफर्ड टैक्स एसेट की। क्यों बात किया डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी की, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस जब भी अराइज होता है तो वहां पे एक डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन होती है, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया है। तो अभी तक ओवरऑल हमने उसकी एप्लीकेबिलिटी की भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में, कहां कहां एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल बेसिकली अगर एक लाइन में आप बोले तो जो ईएस या इंड एस बात नहीं करता कि इंपेयरमेंट कैसा होगा तो वहां पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और ऐसे करके इन्वेस्टमेंट इवन जो कि सब्सिडी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर्स में होते हैं। तो हमने बात कर ली एप्लीकेबिलिटी की, हमने बात कर ली कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, और उसकी वैल्यूएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे सी ए माइनस आर ए। और लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, डी टी की भी बात कर ली डिफर टैक्स की, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, तो उसके हम लोग बात करेंगे आज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट क्या होता है। बेसिकली हमने बात कर ही लिया, फिर भी आर ए में भी दो चीज है, वैल्यू इन यूज और एक है फेयर वैल्यू लेस सी टी डी। तो इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी उसके ऊपर बात करेंगे, और इनकी वैल्यूज कैसे आएंगे बेसिकली। फिर हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस और इंडिकेटर्स ऑफ द इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट कब करेंगे तो उसका क्या इंडिकेटर है। आप हर साल तो चेक नहीं करोगे कि इंपेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर कब चेक करोगे, क्या इंडिकेशन के बाद आप चेक करोगे, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक अपना टॉपिक आएगा, दैट विल द टॉपिक इज CGU एंड दिस इज कॉल्ड कैश जनरेटिंग यूनिट। ओके, फिर इसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो इन तीन चीजों पे बात करेंगे अपने एक के बाद एक। तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स, और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज हाउ यू विल कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट आर ए, एंड आर ए में दो चीज है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस सी टी डी है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कैरिंग अमाउंट क्या होता है। छोटी छोटी सी बात है फिर भी डिस्कस करना जरूरी है। सी ए क्या होता है, सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो अलग बात है, ये यहाँ पे कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट आप बोल सकते। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली इट इज अ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट। हाँ, जब भी इंपेयरमेंट लॉस आप कैलकुलेट करोगे या फिर इंपेयरमेंट करोगे जिस दिन, उस दिन के दिन पे बुक वैल्यू क्या है वही। और ये क्या होता है, इट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू हमेशा रहती है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन, उसके बाद की वैल्यूज जो रहेगी वो होती है कैरिंग अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सी ए। ओके, फिर अपने बात करते हैं दूसरे अमाउंट के ऊपर, दैट इज व्हाट द रिकवरेबल अमाउंट आर ए। आर ए क्या होता है, आर ए इज हायर ऑफ, जैसे हम लोग जानते हैं प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था, हायर ऑफ व्हाट, वैल्यू इन यूज और एक है फेयर वैल्यू लेस सी टी डी, इन दोनों का हायर है। लेकिन ये क्या हो गया, इसको
सारा इरेज हो गया। ओके इरेज हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो हम लोग बात हम लोग को तो अभी दो चीज चाहिए था ना, आरए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक वैल्यू इन यूज और एक फेयर वैल्यू लेस सी टी डी, इन दोनों का जो हायर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू क्या हमें हमेशा निकालनी पड़ेगी? जी नहीं, कुछ वक्त ऐसे भी रहेंगे कि आपको एक से भी काम चल जाएगा, मतलब इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप दोनों वैल्यू निकालें, वैल्यू इन यूज और सी टी डी। आरे कैन बी बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज, मतलब ये वैल्यू इन यूज की वैल्यू भी हो सकती है और फेयर वैल्यू लेस सी टी डी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हायर हमेशा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इनमें से अगर आप कोई एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गई, कैरिंग अमाउंट से जब भी कोई वैल्यू ज्यादा हो गई, वैल्यू इन यूज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो या फेयर वैल्यू लेस सीटीडी कैलकुलेट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि एक से भी काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? अगर आपको लगा कि कैरिंग अमाउंट से मेरी वैल्यू ये ज्यादा है, सपोज करिए कैरिंग अमाउंट आपका 1 लाख है, ठीक है, और वैल्यू इन यूज 1,10,000 आ गया, तो क्या आप ये सी टी डी फेयर वैल्यू लेस सी टी डी कैलकुलेट करने जाएंगे? जी नहीं। क्यों नहीं करने जाएंगे? जबकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया तो इम्पेयरमेंट लॉस का कोई तो चांस ही नहीं हुआ ना। जब ये वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट 1 लाख से जब कम रहेगी तभी तो इम्पेयर करोगे भाई साहब। इम्पेयरमेंट गेन हम लोग बुक नहीं करते, हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब इसमें से कोई एक वैल्यू, सपोज करिए आप यही निकाले 1,10,000 हो गया, तो आपको ये वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। अगर आप ये निकाले तो ये ज्यादा होगी कैरिंग अमाउंट से, तो ये वैल्यू ज्यादा नहीं निकालनी पड़ेगी। तो आप ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एक से भी काम चल जाएगा, जैसे जिसमें से हमने पहला केस आपको बता दिया। और दूसरा केस, अगर फेयर वैल्यू लेस सी टी डी इज नॉट रिलायबल, जब रिलायबल ना हो, अब देखिए फेयर वैल्यू आपको देखना पड़ेगा ये रिलायबल सोर्सेज से हमें जनरेट हो रहा है कि नहीं, हम कहां से फेयर वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में और एक केस में जब एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल रख दिया जाता है, मतलब एंटिटी बोल रही कि हम इस एसेट को ज्यादा दिन यूज नहीं करेंगे, हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या होता है, आप विद इन 12 मंथ इस एसेट को शोल्ड कर दोगे, तो इस केस में भी आपको वैल्यू इन यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी वैल्यू रहेगी उस साल की वही वैल्यू इन यूज हो जाएगी, तो आपको वैल्यू इन यूज नहीं निकालने की जरूरत होगी अगर हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है। तो कुछ जगह है जहां पे आपको वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस सीटीडी में से किसी एक को निकाल के काम चला सकते हैं, ठीक है। तो सी ए माइनस आर ए, पहली बात जब आर ए कैलकुलेट करते वक्त आपको लगा कि एक वैल्यू हम कैलकुलेट किए वो ज्यादा हो गई, तो वो जब ज्यादा हो गई तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस से कोई मतलब ही नहीं, जब वो वैल्यू ज्यादा हो गई तो उसमें आप नहीं निकालोगे। दूसरा केस, अगर रिलायबल सोर्स से फेयर वैल्यू आप नहीं जनरेट कर पा रहे, मतलब नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो भी जरूरत नहीं, और अगर एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो भी नहीं लगेगा। अब आपका सवाल ये है कि ठीक है उसमें से एक निकालना पड़ेगा, दो निकालना पड़ेगा, आखिर ये है क्या, फेयर वैल्यू लेस सी टी डी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन तो ये कि फेयर वैल्यू लेस सी टी डी कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालते हैं एज पर इंड एस 113 इंडेक्स के हिसाब से निकालते हैं फेयर वैल्यू, ठीक है। अब सीटीडी क्या होता है, सीटीडी क्या होता है, एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। अभी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, जो कि डिस्पोजल पे इंकर्ड हुआ हो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट विच हैज बीन इंकर्ड ऑन डिस्पोजल, दैट विल बी कॉस्ट टू डिस्पोजल, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल क्या है, इंक्रीमेंटल जैसे कि कमीशन, आप जब कोई भी एसेट बेच रहे हो, मतलब बेचोगे तो उसमें फेयर वैल्यू लेस सीटीडी, मतलब बेचने के वक्त आपको कितना कमीशन देना पड़ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ सकती है फॉर सेल, तो ये सारे कॉस्ट
आपको वहां से डिडक्ट हो जाएगा। बेसिकली जब फ्यूचर में आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे तो बस बेचने का इनकम ही ना देखिए, उसको बेचने में लगा हुआ खर्चा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट टू डिस्पोजल, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आती है वैल्यू इन यूज। ये कैसे कैलकुलेट होगा? अब इसका मतलब क्या है वैल्यू इन यूज? इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस यूज से जो वैल्यू अराइज होगी, कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसेट से जो हमें वैल्यू जनरेट होगी, जो वैल्यू डिराइव होगी फ्रॉम व्हाट? कंटिन्यूअस यूज, वैल्यू डिराइव फ्रॉम कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसेट, मतलब अगर हम लगातार इस एसेट को यूज करते रहे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स, तो जो इससे वैल्यू डिराइव होगी, सपोज कि इस साल कुछ कैश फ्लो हुआ, इस साल कुछ कैश फ्लो हुआ, तो ये हो गई वैल्यू इन यूज। मतलब इससे मेरे को इतना इतना कैश फ्लो मिल रहा है, मतलब मेरे को इतना इतना बेनिफिट उससे मिल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ यूज। अब जैसे कि एक एसेट है, उसका कैश फ्लो मुझे मिला, जैसे ये ईयर हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1,90,000, maybe 60, maybe 5,000, हो सकता है भाई। अब हम इसको क्या करेंगे, सपोज करें डिस्काउंटिंग रेट 10%, इसको डिस्काउंट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, इसको लेके आएंगे तो दैट विल बी सपोज के 10% 909, ऐसे करके आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू इन यूज, क्लियर है? ये फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना, मतलब वैल्यू जो यूज करके आप जनरेट करते हो, जो भी कैश फ्लो जनरेट करते हो, और ये एंटिटी द्वारा स्पेसिफाइड रहेगा कि कितना कितना आपको मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको शायद डायरेक्टली दिया भी हो कि इसका क्या वैल्यू इन यूज है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, और या फिर ये फिगर्स दे दिए गए होंगे तो आपको डिस्काउंटिंग करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू लानी पड़ेगी। तो फेयर वैल्यू लेस सीटीडी और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर करके आप आरए निकाल लोगे, और सीए की बात कर ही ली अपने, तो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट कैलकुलेट हो जाएगा सीए माइनस आरए, सीए माइनस आरए इज इक्वल टू इंपेयरमेंट लॉस। आरए में क्या हो गया वैल्यू इन यूज, इसको क्या है बेसिकली कैश फ्लोज जो फ्यूचर में होंगे उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ला के आप बताएंगे कि ये वैल्यू कितनी जनरेट होगी। और फेयर वैल्यू लेस सीटीडी, सीटीडी फेयर वैल्यू हम लोग इंडेस 113 के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, वो वहां पे पढ़ेंगे। सीटीडी क्या होता है बेसिकली दिया रहेगा आपको फेयर वैल्यू, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटीडी जस्ट लाइक ये कमीशन हो गया या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर सेल, ऐसे करके, तो ये इसका जो हायर होगा दैट विल बी योर आर ए, एंड कैरिंग वैल्यू इज वॉट आफ्टर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, After depreciation and earlier impairment loss and revaluation on the date of impairment of asset, जिस दिन हम impairment of asset की testing करेंगे उस दिन पे book value क्या है, that is what the carrying amount, फिर carrying value, ठीक है। तो ये हो गया पहला topic। फिर अपने बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, दैट इज व्हाट वी हैव सेड इज इंडिकेटर्स ऑफ द इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, इंडिकेटर्स आपको कब रियलाइज होगा कि आपको इसको इंपेयर करना है, मतलब आप कब इसको इंपेयर करोगे वो आपको बताना है, मतलब आपको कब ऐसा लगा
कि आपको इसको इम्पेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें तीन फैक्टर्स, मतलब तीन इंडिकेटर्स हैं बेसिकली। पहला इंडिकेटर्स है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल और तीसरा है स्पेशल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंटरनल का क्या मतलब है, एक्सटर्नल का क्या मतलब है और स्पेशल इंडिकेटर्स का क्या मतलब है। तो आपको ये पता चल गया कि देयर आर थ्री इंडिकेटर्स जिससे आपको पता चलेगा कि हमें इंपेयरमेंट करना है या नहीं। तो उससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि आपको इससे करना है या नहीं। लेकिन इसके पहले कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं जहां पे आपको नहीं देखना पड़ता कि इंपेयरमेंट, कोई इंडिकेटर्स नहीं देखने पड़े। ऐसे एसेट्स जहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ी, नो नीड ऑफ इंडिकेटर्स, इसके ऊपर हम लोग आएंगे एक एक करके क्या है इसमें, क्या क्या चीजें आएंगी। नो नीड फॉर इंडिकेटर्स किन किन केसेस में, पहला गुडविल इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब एक बिजनेस मर्ज हो रहा है या अक्वायर हो रहा है तो उस केस में आपको नहीं देखना है किसी भी इंडिकेटर का, उस समय आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करना ही करना है। कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो उसको कुछ साल में एक बार तो टेस्ट करना ही पड़ेगा कि इंपेयर होगा या नहीं होगा, ठीक है। कोई इंटेंजिबल एसेट अभी यूज नहीं हुआ, इंटेंजिबल एसेट्स नॉट बीइंग यूज, अभी तक वो यूज नहीं हुआ तो उसकी भी इंपेयरमेंट टेस्ट करनी पड़ेगी, जो वैल्यू पे है वही है कि फिर घट गया। और इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग इनडिफिनिट लाइफ, जिनकी लाइफ जो होती है वो इनडिफिनिट होती है, मतलब वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नहीं बोल रहे हम लोग, इनडिफिनिट जो डिफाइन नहीं हो पाती, उन केसेस में आपको ये सारे फोर केसेस जहां पे आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इसमें चेक तो करना ही करना है। बेसिकली आप ईयर एंड पे एक बार जरूर चेक करिए, एक साल मतलब ईयर एंड जब आए तो उस केस में। अब जैसे गुडविल ऑन इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो जब बिजनेस कॉम्बाइन होगा तो उस केस में तो आपको करना ही पड़ेगा। ये है चार एरिया जहां पे आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने तीन इंडिकेटर्स की बात की, जो तीन इंडिकेटर्स आपको दिखाएं, मतलब आपको लगा कि तीन इंडिकेटर्स में कोई भी इंडिकेशन आपको मिल रहा है तो आपको तो चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा। ऑप्शन है आपके पास, अगर आप खुद से चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको तो करना ही करना पड़ेगा। अब इंटरनल इंडिकेशंस कहां से पता चलेगा, एंटिटी से, बोले तो विद इन द एंटिटी, एक्सक्यूज, विद इन द एंटिटी आपको पता चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं दो तीन एग्जांपल दे देता हूं कि इंटरनल इंडिकेशंस क्या क्या है। जैसे कि फिजिकल डैमेजेस टू एसेट्स, एसेट्स को फिजिकली अगर कुछ डैमेज हो गया, और ऑब्सोलेंस ऑफ द एसेट्स, या फिर टेक्नोलॉजी उसकी खत्म हो गई, ओके। दूसरा पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जैसे कि सपोज करिए आप एक ट्रक खरीद के लाते हो
आप ये सोच के लाते हो कि इसकी जो ट्रक नहीं, एक मशीन खरीद के लाते हो, उससे सपोज करते हो कि 1000 यूनिट एक दिन में आप प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो मशीन जब आती है आपके यहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट प्रोड्यूस कर पाती है पर डे। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि इसको इम्पेयर करना है या नहीं। तो दूसरा पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो गई, पहला फिजिकल इकोनॉमिक फिजिकल डैमेज हो गया और ऑब्सोलेंस ऑफ द एसेट। और एक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं, बेसिस है। तीसरा बेसिस क्या है इसका? इंटरनल इंडिकेशंस का, चेंज इन एक्टिव मैनर ऑफ यूज। एक्टिव मैनर ऑफ यूज में बदलाव हो गए, जैसे कि आप कोई ट्रक लेके आए, जैसे ट्रक वाला एग्जांपल मैं दे रहा था कि मैं माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजूंगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे हैं, तो इसमें खर्चा बहुत पड़ रहा है, मतलब बहुत खराब हो जा रही है गाड़ी। तो आपने क्या कर लिया? विद इन द फैक्ट्री इसको यूज करने लगे, एक जगह से दूसरे जगह माल ले जाने के लिए। तो इसके मैनर ऑफ यूज में बदलाव होगा, क्योंकि यहां से देखिए आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, नो डाउट, बट यहां पे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस समय भी आपको चेक करना पड़ेगा इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। तो देयर आर थ्री केसेस इन द इंटरनल जो आपको कंपलसरी है चेक करना, दैट इज फिजिकल डैमेज टू एसेट, अगर एसेट टूट गया है तो, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेंस ऑफ द एसेट, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रही है, और चेंज इन एक्टिव मैनर ऑफ यूज, जिसके लिए लाया गया था दूसरे के लिए यूज हो रहा है, और पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब बात आती है दूसरी, दैट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो भी आपके मार्केट है, जैसे बीएससी, एनएससी, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटिटी, इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट। आपके यहाँ जो नेट एसेट है वो बहुत कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो इट मींस कि आपके बुक में चेक करना पड़ेगा कि मार्केट से आपका जो नेट एसेट है वो कम बेसी क्यों है। तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटिटी इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है मार्केट का, जिससे आपको ये चेक करना पड़ेगा। दूसरा, मार्केट प्राइस रिड्यूस्ड, अगर मार्केट वाइज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस हो जाता है, आपने खरीद के लाया 1 करोड़ का एसेट, लेकिन आज अगर आप कोई खरीदने जाता है तो बस 50 लाख में मिल जाता है, तो आप एज एन ऑडिटर यू शुड चेक, मतलब एज एन अकाउंटेंट यू शुड इंपेयर द एसेट, मतलब चेक। एक ऐसा इंडिकेटर आपको मिल गया कि इसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन में उतनी है नहीं, तो आपको उस के इंपेयरमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट का इंटरेस्ट रेट, सॉरी, मार्केट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, तो देखिए आपके दो चीज में फर्क पड़ेगा। डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएगा,
मार्केट रेट जब इंक्रीज होता है क्या होगा, तो भी आपको चेक करना पड़ेगा। एक बेसिकली इट्स अ इंडिकेटर कि आपको चेक करने पड़ेगा इंपेयरमेंट का। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जब डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएगा तो आपकी वैल्यू इन यूज क्या होगी, घट जाएगी। जब वैल्यू इन यूज घट जाएगी तो रिकवरेबल अमाउंट कम होने के चांसेस जब ज्यादा हो जाएंगे कैरिंग अमाउंट से, तो भी एक इंडिकेशन ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा। बेसिकली डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो जाएगा जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं, तो वैल्यू इन यूज आपको कम मिलेगी। जब वैल्यू इन यूज कम हो जाती है तो उसको इंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए ये इंडिकेटर माना जाता है। और चौथा एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, एडवर्स मार्केट कंडीशन है। मार्केट कंडीशन एडवर्स है, जैसे कि कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिमांड कोई भी चीज की बढ़ गई, या फिर गवर्नमेंट का कोई रूल्स और रेगुलेशन आ गया और आपको सीधा हिट करता, ठीक है। तो एडवर्स मार्केट कंडीशन मतलब आपको उस मार्केट में सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है। तो इन चार चीज आपको देखे, एडवर्स मार्केट कंडीशन, मार्केट इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो रहा है, मार्केट प्राइस रिड्यूस हो रहा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटिटी लेस देन हो जाती है बुक नेट एसेट से। तो उन चार केसेस में आपको एक्सटर्नल इंडिकेटर्स शो करेंगे कि इन सारी चीजों में आपको देखना पड़ेगा। स्पेशल इंडिकेटर्स, अभी तक हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स देखे कि ये सिचुएशन अगर अराइज होती है तो आपको इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि इम्पेयर ही हो, लेकिन यू शुड चेक इट कि आखिर इम्पेयर हो सकता है या नहीं। आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, सी ए माइनस आर ए, आर ए मतलब वैल्यू इन यूज और हायर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इन यूज और फेयरवैल्यू लेस एटीडी, इजंट इट। तो वो आपको बस चेक करना, टेस्टिंग करनी है। स्पेशल इंडिकेटर, जब एक एंटिटी, कोई भी एंटिटी, इफ एनी एंटिटी रिसीव डिविडेंड, रुकिएगा थोड़ा सा इसमें वो है, रिसीव डिविडेंड कहां से, दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, तो उस केस में आप जो इन्वेस्टमेंट करके रखें सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, चेक करना पड़ेगा इंपेयरमेंट के लिए कि आखिरकार उसकी वैल्यू तो रिड्यूस नहीं होगी जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्पेशल इंडिकेटर्स जो आप को बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी आपने करके रखा, अगर वहां से डिविडेंड रिसीव होता है तो ये साइन अच्छा नहीं है, तो उस समय आपको चेक करना पड़ेगा कि इंपेयर तो नहीं हो रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट। और एक्सटर्नल इंडिकेटर की बात कर ली हमने, इंटरनल इंडिकेटर की बात कर ली, इंडिकेटर्स की बात कर ली बेसिकली कि क्या क्या इंडिकेटर्स है इंपेयरमेंट लॉस के। अब बात करेंगे सीजीयू, जो अपना अगला पॉइंट है, दैट इज कैश जनरेटिंग यूनिट, जो हमने बोला था कि हम बात करेंगे उसके ऊपर। एक मिनट रुकिएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आया क्यों और कैसे, सीजीयू आप समझ पा रहे, ऐसे लिख देते क्यों आया, अपना इंडियस क्या बोलता है, इंडियस 36 बोलता है इंपेयरमेंट लॉस का जो कैलकुलेशन होगा, इंपेयरमेंट लॉस का जो कैलकुलेशन होगा शुड बी बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ एसेट। जो एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल, मतलब आइडेंटिफिएबल का क्या मतलब है, कैपेबल फॉर सेल, उसके साथ एक और कंडीशन है, मैं बताऊंगा आखिर ये है क्या, विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लोस। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप, जो एक छोटा सा ग्रुप बनाइए जो आइडेंटिफिएबल हो, मतलब सेल किया जा सकते हो और वो कैश फ्लो भी जनरेट करता हो और लार्जली इंडिपेंडेंट हो। इस ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीयू। तो सीजीयू में दो पॉइंट है आपको, तीन पॉइंट है बेसिकली। तो पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिएबल कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश, ये तीन गुण अगर रहे तो उसको क्या बोलेंगे, सीजीयू। इंपेयरमेंट ऑफ लॉस सीजीयू पे होता है। तो तीन चीजें सपोज करिए, आइए एक एसेट है, ठीक है, एक फैक्ट्री है बेसिकली, उसमें बहुत सारे एसेट है। एक एसेट है जो कि अकेले कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो क्या वो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो है? आंसर इज नो। आइडेंटिफिएबल हो सकता है, क्या इसको हम बेच सकते हैं? जी हम बेच सकते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट है? हाँ, ये अलग एक एसेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इस एसेट में एक और एसेट मिला दिया, दिस इज एसेट वन एंड दिस इज एसेट टू। अब ये दोनों एसेट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सो क्या वो एबल टू जनरेट कैश फ्लो है? जी हाँ है। आइडेंटिफिएबल है? जी बिल्कुल है, कैपेबल ऑफ सेल। और इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है, हाँ। तो वो होगा सीजीयू। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, खुद का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, और एक राइटिंग पैड है, एक माइक है, और भी बहुत कुछ है। क्या तीन चीजें मेनली सपोज करी, ये एसेट है? बिल्कुल है। क्या ये इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल है। क्या ये आइडेंटिफिएबल है? बिल्कुल बेच सकते हैं इसको। क्या ये कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी? जी नहीं। मैं अपने केस टू केस की बात करूं, इसको इस पैड की भी जरूरत पड़ेगी, इसको इस माइक की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये बनेगा कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो। इसको बोलेंगे सी जी इश्यू, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप होना चाहिए। सपोज करिए एक लैपटॉप से काम चला तो एक ही से चलाएंगे, एक राइटिंग भी, ऐसा नहीं 10 लैपटॉप, पूरा ग्रुप छोटा ही रहेगा। लेकिन ऐसा ग्रुप हो जो इंडिपेंडेंट हो, आइडेंटिफिएबल हो और कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि कैश जनरेटिंग यूनिट का एक एग्जाम्पल देते हैं, जिससे हम लोग को इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैश जनरेटिंग यूनिट में हम लोग कैसे इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे,
तो कैलकुलेशन ऑफ या फिर कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, सिंपल से. सपोज करिए आपका एसेट है, एसेट ए बी सी डी ई, इसकी वैल्यू है कैरिंग वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 एंड 5. ओके, परफेक्ट. इनके सीजीयू है, मतलब ये किस ग्रुप का पार्ट है, मतलब किस कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट है. सपोज करिए कैश जनरेटिंग यूनिट ये है अल्फा, ठीक है, सपोज करिए ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये है बीटा, ये फिर है अल्फा और ये है बीटा. ये सीजीयू है, कैश जनरेटिंग यूनिट, मतलब ये और ये तीनों मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं और ये तीनों इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिफिएबल है, तीनों क्राइटेरिया तीनों फुलफिल करते हैं. वैसे ये दोनों भी एक सीजीयू है, मतलब सीजीयू के पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट भी है, अलग अलग है. ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग है, ठीक है. आपको आरए दिया हुआ है, सीजीयू ए का आरए है 4 लाख, और आरए ऑफ सॉरी सीजीयू बी रुपीज 1,50,000. अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंपेयरमेंट लॉस. तो इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए, सीए और आरए, और वो दोनों दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन अपने करते हैं. चलिए तो पहले सीए कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन. सीए किसका, सीजीयू ए का और सीजीयू बी का. सीजीयू ए में कौन कौन था देख लेते हैं. मेरा अलार्म बज रहा है, आई मीन बेल. एसेट ए बी एंड डी, इसकी वैल्यू ए बी डी की 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख. बेल बज रहा था, ठीक है, कोई कॉल दिया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, तो हमारा ए था, बी था और डी था, 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख. और इधर क्या बचा, सीजीयू बी. बी मतलब अल्फा, ए मतलब अल्फा, बी मतलब बीटा. इधर बचा अपने पास सी एंड व्हाट ई, और ये क्या होगा, 3 लाख ये होगा, इसकी वैल्यू हमने थोड़ी सी 4 और 5 कर ली है, तो ये हो जाएगा 5 और 9. इसका आरए थोड़ा सा अपने को बढ़ाना पड़ेगा. सॉरी, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये सपोज करिए ये 450, ठीक है, E का 6, और ठीक है, तो वैल्यू इसका हो गया 5 लाख. ओके, तो इसका सीए कितना हो गया, 237, ये 7 लाख हो गया और ये हो गया 8 लाख. ओके, इन दोनों का आरए लिख लेते हैं, एक का आरए 4 लाख है और एक का आरए है 4 लाख, और ये 4,50,000.
मैंने 1,50,000 से थोड़ा सा बढ़ा दिया कि भाई इतना रिड्यूस ड्रास्टिकली नहीं होगा, इसलिए। तो ये अपने पास हो गया दो वैल्यू, एक हो गया सी ए और एक आर ए। तो सी ए माइनस आर ए दैट इज व्हाट द इंपेयरमेंट लॉस। तो ये 3,00,000 हो गया और ये 350 आई बिलीव। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कैलकुलेशन ग्रुप में हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए सीजीओ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस तीन पॉइंट हमें कवर करना था, तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब आपसे मिलते हैं आप लोग, हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग और आगे बात करेंगे। अभी हम इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूड कर दें। तो कैसे कंक्लूड होगा, हमने अभी इस वीडियो में सीखा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज, जिसमें सी ए की वैल्यू और आर ए जो कि हायर था, वैल्यू इन यूज के और फेयर वैल्यू लेस सी टी डी। तो वैल्यू इन यूज कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू हम लोग 113 से कैलकुलेट करते हैं, और सी टी डी मतलब कमीशन और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये सी ए मतलब क्या हो गया, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। इंपेयरमेंट जिस दिन हम लोग करते हैं उस दिन पे आपने डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन और कोई भी पहले का अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस। फिर हम बात किए इंडिकेटर्स की, जिसमें तीन इंडिकेटर्स थे, एक था इंटरनल, एक था एक्सटर्नल और एक था स्पेशल। इंटरनल इंडिकेटर्स, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स और ये इंटरनल में जैसे कि एक फिजिकल डैमेज हो गया आपका, एक्सटर्नल में जैसे कि आपका मार्केट प्राइस कम हो गया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, स्पेशल में जब आप इन्वेस्टमेंट से आपको डिविडेंड मिलता है और वो इन्वेस्टमेंट इस सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की है, तो आपको इन्वेस्टमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो ये हो गए इंडिकेटर्स। फिर हम बात किए अभी सीजीयू का, दिस इज व्हाट द कैश जनरेटिंग यूनिट। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिकली इट्स अ फॉर्म, इट्स अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस। हमारा इंडेक्स बोलता है कि हम तीन चीजें देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, आइडेंटिफिएबल हो और कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश। आप किसी एक का इंपेयरमेंट चेक नहीं करोगे, स्मॉलेस्ट ग्रुप का चेक करोगे, जिनमें ये तीनों खूबियां रहनी चाहिए, और वो खूबियां रहेंगी तभी हम लोग उसको इंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो ये रही बात। अब ये एक पर्टिकुलर एसेट भी हो सकता है, वो तीनों काम करता हो, एक फैक्ट्री में एक ही एसेट हो जो प्रोड्यूस करता हो, दैट्स इट, दैट कैन बी सिंगल एसेट। ये तीन पॉइंट हमने कर लिया, बस आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो क्या करना है आपको, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है। शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है। बाय। We'll be right back.